साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो भी पुराने पेपर में आए हैं। 2009 से लेके 2012 तक का मैं फर्स्ट पार्ट में बना के दे रहा हूँ। उसके 2012 से लेके 2017 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको मैं दो पार्ट में डिवाइड करके बना रहा हूँ। तो पहले पार्ट में 2009 से 2012 तक का कंप्यूटर से रिलेटेड जितना जितना भी क्वेश्चन है वो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली। टैली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे जो अकाउंटेंट जो होते हैं वो उस पर काम करते हैं। टैली पे उसपे लेजर मेंटेन किया जाता है। जो भी हमारा बैलेंस शीट होती है उसी टैली पे मेंटेन होती है। तो वो टैली किसने बनाया था? वो टीसीएस ने बनाया था। टीसीएस टाटा की एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का फुल फॉर्म है। तो इस टीसीएस ने इसको बनाया था और टीसीएस भारत की नंबर वन कंपनी भी है इंडिया की। दूसरा क्वेश्चन आता है कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को क्या कहा जाता है? त्रुटियां इन द सेंस कि जब कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम बनता है, एक डेवलपर अगर कोई प्रोग्राम बना रहा है तो उसमें जो इश्यूज आते हैं जब हम उसको रन कराते हैं प्रोग्राम को, जो इश्यूज आते हैं उनको बग्स कहा जाता है। BUG बग, BUGS बग्स। तो ये बग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है, क्योंकि जो यूजीसी नेट में वो बेसिक ही आएगा कंप्यूटर का, तो बेसिक ही है ये सब। उसके बाद HTML, इसको HTML लिखते हैं। तो ये आपका जो है, ये अगर इसको आप पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ये HTML। इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये किससे होता है रिलेटेड? तो ये HTML जो होता है, वेब पेजेस जो भी आप देखते हैं, जो वेबसाइट आप देखते हैं, कोई वेबसाइट, वो HTML में सोर्स कोड उसका अगर आप देखेंगे तो HTML में ही बनी होती है। तो वेब पेज, HTML का उपयोग मूलतः निम्नलिखित में से किसके अभिकल के लिए किया जाता है? वेब पेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके लिए बनी होती है? तो कंप्यूटर के लिए बनी होती है सूक्ष्म प्रक्रिया। ठीक है, जैसे कि सूक्ष्म प्रक्रिया एक वर्ड है, ये कंप्यूटर के लिए ही बना होता है। ग्राफिक्स मूल पाठ ध्वनि वीडियो ऑडियो वीडियो जो भी होता है, ये सजीवता से युक्त सूचना क्या कहा जाता है? आप देखे होंगे मल्टीमीडिया, अगर लोग कहते हैं ना मल्टीमीडिया फोन है, तो मल्टीमीडिया फोन का क्या मतलब होता है? जिसमें भी ऑडियो होगा, वीडियो होगा, ग्राफिक्स, आप गेम खेल सकते हैं, तो वो मल्टीमीडिया फोन कहलाते हैं। तो ये वो मल्टीमीडिया है। ठीक है, इसके आता है WW पर वेब पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? अगर आपको वेब पेज www.facebook.com है, ये वेब पेज अगर इस पे डालना है कि ये एक डोमेन होता है। www से आप एक डोमेन परचेस करते हैं, उस पे वेब पेज डाला जाता है होस्टिंग करा के। तो उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है? तो एक इंटरनेट कनेक्शन होना ही चाहिए, नहीं तो आप ओपन कैसे करेंगे? एक वेब ब्राउजर होना चाहिए जिसपे ओपन करते हैं। वेब ब्राउजर इन द सेंस, जैसे कि आपको फेसबुक खोलना है तो आप या तो मोजिला पे खोलते होंगे या क्रोम पे खोलते होंगे, तो वो सब वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर की जरूरत होती है, एक वेब सर्वर जो हम खोलते हैं जिसपे वो वेब ब्राउजर होता है, और जहाँ हमारा www डोमेन जो मेन होता है वो सर्वर होता है। तो ये तीन चीजों की जरूरत होती है, ये सभी। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें जरूरत होती है, तो यहाँ पे तीन दिया तो इसलिए ये सभी ले लिया है। भारत में मोबाइल फोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी कौन थी? हचिसन। इसको याद कर लीजिएगा, हचिसन पहली ऐसी कंपनी थी जिसने भारत में मोबाइल सेवा दी थी। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को भारत में कहाँ से छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा। ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं बता दिया हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, श्रीहरिकोटा से है। कोई भी हमारे इंडिया में कुछ भी, कोई भी सैटेलाइट पोलर्स अगर छोड़ी जाती है, कोई भी सैटेलाइट, तो श्रीहरिकोटा से ही छोड़ी जाती है। ब्लॉग क्या है? जैसे कि आप जानते हैं वर्डप्रेस एक ब्लॉगर है, ब्लॉग साइट है, या आप गूगल का ब्लॉग भी बनाते होंगे, तो ये एक पर्सनल ब्लॉग क्या है? एक पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल। मतलब कोई भी एक ऐसी वेबसाइट जो कि पर्सनली भी बनाई जा सकती है और कॉर्पोरेट किसी कंपनी के लिए बनाई जा सकती है, तो उसको ब्लॉग कहते हैं। निम्न में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? अब भंडारण क्या है, मतलब कि जैसे मोबाइल के टर्म में अगर हम ले, तो लोग बोलते नहीं है कि आपके मोबाइल में कितना डेटा स्टोर होता है, कितने GB, तो वही है भंडारण, मतलब स्टोर करना। तो 13 बाइट, MB मेगाबाइट, KB किलोबाइट, या GB गीगाबाइट। तो यहाँ पे 13 बाइट, 13 बाइट को TB भी कहते हैं, तो ये 13 बाइट है, इसको TB कहते हैं, इसको MB कहते हैं, इसको GB कहते हैं।
आजकल जीबी में रैम भी आने लगी है, मोबाइल में देखिए 3 GB रैम, 64 GB स्पेस रहता है, तो ये सबसे छोटी केबी होती है, केबी सबसे छोटा ये है जो, इसको केबी सबसे छोटी इकाई, भंडारण की सबसे छोटी इकाई जो है वो केबी ही है, ये पूछ लेगा तो इसको याद रखिएगा। बिट का तात्पर्य क्या है? बिट, बिट को लिखते हैं BIT, बिट। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट है ये, इसको बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0101 इस फॉर्म में जो भी लिखा है तो उसको बाइनरी डिजिट कहते हैं। तो बिट का तात्पर्य है बाइनरी डिजिट से। निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक डेटा संरचना नहीं है? कौन सी रैखिक डेटा संरचना नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा एरे। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क उपकरण नहीं है? इसको याद कर लीजिएगा सीपीयू, राउटर, हब और स्विच, ये सब नेटवर्क उपकरण है। अगर आप नेटवर्किंग का थोड़ा सा भी बताओगे तो स्विच एक होता है जिसमें कि एक तरफ से वायर जाता है आपका जो इंटरनेट ISP से जो प्रोवाइड किया जाता है वो, और दूसरा वायर उससे आपके कंप्यूटर में आता है, वो स्विच होता है, इससे मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है। राउटर क्या करते हैं, राउटर जो है ये आपके जो भी डेटा इंटरनेट पे आते हैं उनको कहाँ कहाँ प्रोवाइड कराना है वो होता है। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा, नेटवर्क उपकरण नहीं है कौन, तो सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर में एक डेस्कटॉप में जो एक डिब्बा होता है वही सीपीयू होता है। एक कंपाइलर का प्रयोग निम्नलिखित को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है, उच्च स्तरीय भाषा या इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, इसको बदलने के लिए कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड इन मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से परिचालन विधि, परिचालन विधि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा उदाहरण है? तो जनरली हम सब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, विंडोज 7, विंडोज 6, XP था। इसके अलावा अगर आप ओपन सोर्स में जाएंगे तो लिनक्स है, तो इस तरह का, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये भी वही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस एक सॉफ्टवेयर आता है, तो ये तीनों उसी के अंदर में आते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा दशमलव संख्या है, डेसिमल निकालना है, 23 का दोहरा बाइनरी इक्विवेलेंट है, 23 नंबर एक डेसिमल है, उसका बाइनरी निकालना है, तो इसका इसको आप निकालना सीख लीजिए, एक क्वेश्चन इससे 100% बनता है, जो आप इसको इसको मैं अभी बता दूंगा, अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं एक यही काम करता हूँ कि डेसिमल को बाइनरी, बाइनरी को डेसिमल, ऑक्टल, ये कन्वर्जन का आपको एक वीडियो बना के देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो ये लगभग 2010 में पूछा गया होगा शायद, अभी आप देखेंगे फिर कहीं रिपीट हो जाएगा ये, तो इनमें से कोई नहीं, इसका कुछ और ही आंसर आएगा, आएगा इसी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में 0110 ऐसे करके। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, इसको मैं कराऊंगा, ये ऊपर वाला बताऊंगा आपको तब समझाऊंगा, अन्य से भिन्न। अब गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, लाइनक्स क्या है, जैसे मैंने बताया था ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक मैक एप्पल वालों का बना एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सब ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक सर्च इंजन दिया है इसलिए ये डिफरेंट है। एक कंप्यूटर अपने डेटा में कहां पर कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है, मतलब कि कुछ भी एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब कहाँ होता है कंप्यूटर में, तो ये सब सीपीयू में होता है, और अगर इंटरनली जाएंगे तो ALU में होता है, लेकिन यहाँ पे सीपीयू दिया तो सीपीयू से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, मेमोरी से मतलब ही नहीं, हार्ड डिस्क से मतलब ही नहीं, फ्लॉपी डिस्क से कोई मतलब नहीं, ये वही है डेसिमल वाला, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये देखिए दोबारा उस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है। 1 GB बराबर होता है कितने बाइट्स के, तो ये 2 की पावर 30 बाइट्स, इसको आप एकदम याद कर लीजिए, 1 GB में 2 की पावर 30, 1 MB में, 1 KB में, इसका सबका एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगी, क्योंकि ये पूछ लेता है कि कितना होता है कितने बाइट्स, तो ये मैं आपको एक वीडियो बना के डालूंगा, 2 वीडियो मुझे बनाने हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय क्या कहलाता है, कंपाइलर सिस्टम कहलाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जो भी बनाता है काम इसका जो भी करता है कंपाइलर करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो भी आप यूज करेंगे कंपाइलर का मेन काम होता है, इसको आप याद कर लीजिए। कंपाइलर एक्चुअली होता क्या है कि जब एक डेवलपर कोड लिखता है तो जो भी कोड लिखता है उसको कंपाइल कराता है, कंपाइल कराने का मतलब कि उसको चेक किया जाता है कि हाँ ये सही है कि नहीं, तो वही प्रोग्राम कंप्लीट करने से पहले जो बीच का प्रोग्राम
पोजीशन, तो उसको कंपाइल कराते हैं, वही है ये कंपाइलर सिस्टम। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में SMIME का तात्पर्य क्या है? सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसको याद कर लीजिए फुल फॉर्म है इसका SIMIME का। ये जो मैं बता रहा था डेसिमल ऑक्टल, देखिए फिर तीसरी बार आ गया ये क्वेश्चन, तो ये मुझे पढ़ाना है, एक वीडियो से बनेगा, दो वीडियो मुझे बनाने हैं। ये भी वही है द्विआधारी बाइनरी डेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट के कौन सा है, इसको भी मुझे बताना है वीडियो। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, इसको आप याद कर लीजिए डोमेन नेम सिस्टम DNS। HTML का फुल फॉर्म अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, HTML यहाँ पे ये मैंने बताया था कि इसका HTML, हाँ ये यही चीज नीचे पूछा है, पहले तो यहाँ पे था वेब पेज, अब वहां पे वो नीचे पूछ लिया है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आप याद कर लीजिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लैन का एक प्रकार है? अब लैन को क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है लैन, वैन और मैन होता है। लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, मैन इज अ मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। लैन जो है बहुत छोटे, ये तीनों इथरनेट के हैं, मतलब इंटरनेट का एक प्रकार है ये। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब अगर लोकली आपको इंटरनेट चलाना है तो लैन क्रिएट करना पड़ता है। मेट्रोपोलियन बड़े शहरों में काफी डिस्टेंस पे कराना है तो मेट्रोपोलियन, वाइड मतलब कि बहुत ज्यादा डिफरेंस। तो ये तीन होते हैं, ये याद कर लीजिएगा आप, लैन मैन और वैन। मैन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, एम को उल्टा कर दो तो डब्ल्यू हो जाता है, मैन, मैन का उल्टा वैन। ये है मोबाइल फोन पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रचालन पद्धति उपयोग की जाती है? मोबाइल फोन जो है ज्यादातर आप देख रहे होंगे विंडो, नोकिया वाले ने विंडो बनाया था, विंडो एक्सपी, एक्सपी एंड्रॉइड में आजकल खूब चल ही रहा है, तो फिक्स सभी है। ये वही है बाइनरी डेसिमल, इसको बताऊंगा बाद में। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्राम का लैंग्वेज होता है। तो निम्नांकित में से किसका उपयोग करके मशीन भाषा में बदला जा सकता है? ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का जो काम करता है वो कंपाइलर करता है। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो हम आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं एक हाई लेवल लैंग्वेज है, समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और मशीन लेवल में जिसको कंप्यूटर समझता है मतलब वो मशीन लेवल, तो हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए जिससे कंप्यूटर हमारी बात को समझ जाए कंपाइलर उसका काम करता है। फिर जो वही HTML आया है, HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? वेब पेज, रिपीटेड है ये। TCP/IP ये क्या है? TCP/IP संबंध किया जाता है इंटरनेट से, आप देखे होंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं इसको, और इसको IP कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अगर आपको IP का फुल फॉर्म पता होगा तो आप उसी से ये टिक लगा लेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं ये। जब भी हमारा कोई हम इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस करते हैं विदाउट इसके हमें एक्सेस नहीं हो सकता वो, इसीलिए TCP/IP एक ये प्रोटोकॉल है। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि इंटरनेट है। कंप्यूटर की कीबोर्ड पर प्रत्येक कैरेक्टर का अस्काई मूल मान्य होता है जिसका अर्थ होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है अस्काई सेकंड का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है। देखिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने बताया था, ऑफिस का 3, एक्सेल, एक्सेस और वर्ड जिसपे आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं। तो प्रोग्रामिंग भाषा तो है नहीं, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी पास्कल, जावा, C++, C++, सब ये सब प्रोग्रामिंग भाषा है। PHP को हालांकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं लेकिन ये सब प्रोग्रामिंग भाषा है। कोई 3 अंक दशमलव संख्या का संग्रह स्टोर करने के लिए बिट्स की न्यूनतम संख्या किसके बराबर है? ये 10, इसको आप याद कर लीजिएगा। इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? ब्राउजर, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। पॉपअप 3 एंड IMAP ईमेल अकाउंट है जिसके एक को अपनी मेल पढ़ने के लिए सर्वर संबंधित होना पड़ता। अगर आप कभी मेल को कॉन्फ़िगर किए होंगे तो वहां पे, अगर आप मोबाइल पे कॉन्फ़िगर किए होंगे तो वहां पे पॉपअप 3 पहले पूछता था, तो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है। अगर आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर करें तो आपको देखेंगे कि पॉपअप 3 IMAP वहां पे डिफाइन रहता है।
ये ALU, ये सी मैंने ऊपर बताया था, CPU का एक इंटरनली पार्ट होता है, इसको कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, उसी का फुल फॉर्म पूछा ही है। इसका काम होता है जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं वो यहीं से होते हैं, इसी के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर 8085, माइक्रो प्रोसेसर 8086, ऐसे कई माइक्रो प्रोसेसर हैं जिसपे बहुत से, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसपे बहुत से चिप लगे हैं, उसको आप माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है, और इसी को, वायरस को पकड़ने के लिए या वायरस को क्लीन करने के लिए एक एंटीवायरस आता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। कौन से सॉफ्टवेयर है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा सही है? ये वही है, इसको बताना है, एक वीडियो बनाना है, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा डेसिमल सबके बारे में। ये डेसिमल में दिया हुआ है, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। 17 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा। कन्वर्जन बाइनरी का आपको एक बताना है मुझे। एमएस वर्ड ऑफिस 2017, देखिए एमएस वर्ड ऑफिस पे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉक एक्स। 2007 का डॉक एक्स है, सॉरी मैं 2017 कह दिया है, 2007 का डॉक एक्स है। अगर 2003 पूछ लेता है तो ये एक्स कट जाएगा, सिर्फ डॉक हो जाएगा। ठीक, तो अब 2007 का, 2010 का सबका डॉक एक्स है। प्रोटोकॉल है, अब यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस, और एक पूछा है, एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों के लिए आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये ऊपर मैंने ईमेल के बारे में बताया था, POP3 और IMAP होते हैं, तो यहाँ पे POP दिया हुआ है, इससे आप समझ जाएंगे कि ये ईमेल से रिलेटेड है, तो आप इसको टिक कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 2009 से लेके 2012 तक के, जो UGC नेट के फर्स्ट पेपर में पूछे गए हैं, जिसमें से आप देख रहे होंगे काफी रिपीट भी हुए हैं, तो उम्मीद है कि आगे भी रिपीट होंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो मैं डालूंगा वो 2012, 2013 से लेके 2017 तक के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो इसमें अगले नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। दो वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने पिछले 2009 से लेके 2017 तक के सभी कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो अगर वो रिपीट होता है तो उससे आप मिस नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।